आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बिगिनर्स कोडर्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और वो ये है कि यार डू यू रियली नीड अ गुड लैपटॉप फॉर कोडिंग क्या लैपटॉप की ज़रूरत भी है कोडिंग करने के लिए एक अच्छे लैपटॉप की जरूरत है या फिर मेरा काम सस्ते वाले से भी हो जाएगा शॉर्ट आंसर दूंगा पहले टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका और शॉर्ट आंसर ये है कि यार येस आपका काम हो जाएगा एक ठीक ठाक लैपटॉप से भी एक ऐसे लैपटॉप जिसमें डिस्प्ले है की है ट्रैक पैड है और उसमें आप लोग बेसिक प्रोग्राम्स चला सकते हो मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मुझे ग्राफ ग्राफिक कार्ड ये वाला ठीक है क्या ये वाला ग्राफिक कार्ड कैसा है वो वाला ग्राफिक कार्ड कैसा है मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं कोड नहीं कर पाया देखो यार सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोडिंग करने के लिए आपको ना ही तो लैपटॉप की जरूरत है ना पैसे की जरूरत है मैंने क्यों बोला ये बोली ये बात कि आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं है अगर आप लोग कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हो आज तो आप लोग कोडिंग अपने फोन से भी कर सकते हो देर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन इन्वायरमेंट्स क्या उसमें आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा नहीं रहेगा आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा लेकिन जहां बात आती है कि यार आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है यार आपके पास अपना फ़ोन है पॉकेट में लैपटॉप नहीं है तो यार कर भी कह सकते हो आप यू कॉन्ट डू एनीथिंग अबाउट इट तो आपको क्या करना है कि आप उन ऑनलाइन उन लर्निंग एन्वायरमेंट्स का इस्तेमाल करें आप लोग टर्मक्स का इस्तेमाल करें मैंने आप लोग को टर्मक्स का वीडियो बना के भी दिखाया था एक वी एस कोड का बट ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाता है इनमें कोडिंग करना तो अब यहाँ पर मेन चीज़ पर आता हूँ कि क्या एक अच्छे लैपटॉप की ज़रूरत है क्या लैपटॉप की ज़रूरत है हाँ लैपटॉप की ज़रूरत है अगर आप लोग एक अच्छा एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस चाहते हैं तो अब ये बात एक दूसरी है कि यार अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आपको अपने फ़ोन से ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बट जहाँ बात आती है एक लैपटॉप की मैं कहूँगा कि अगर सिर्फ कोडिंग करना आपका उद्देश्य है मैं गेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट पर भी अभी आऊँगा मैं कहूँगा कि यार सत्तर परसेंट जो लोग होते हैं जिस हिसाब से मुझे डीएम्स आते हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको सत्तर परसेंट लोगों के पास इनिशियली पैसे नहीं होते हैं लैपटॉप खरीदने के मैं कहूँगा एक महंगा लैपटॉप खरीदने के तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए आपको मैं कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि अगले दो तीन साल तक आप कुछ नहीं ले सकते एक नया लैपटॉप अच्छा वाला नहीं ले सकते मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वेट करो वेट कभी मत करो एक लैपटॉप ले लो एक बेसिक लैपटॉप ले लो और उस बेसिक लैपटॉप से आप सब कुछ कर सकते हो क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा यार आप क्या करोगे आप मुझे बताओ एक कंप्यूटर के अंदर आप क्या करोगे मैं एडिटिंग को हटा रहा हूँ यहाँ पर मैं गेमिंग को हटा रहा हूँ यहां पर मैं सिर्फ कोडिंग स्किल्स की बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म कोडिंग स्किल्स आपको बिल्ड करने के लिए अगर आज आपके पास बेसिक लैपटॉप भी है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्या पढ़ोगे आप लोग सी लैंग्वेज पढ़ोगे चल जाएगी सी लैंग्वेज एक बेसिक बेसिक्स लैपटॉप में एक दस पंद्रह हजार के सेकेंड हैंड लैपटॉप में भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स बहुत अच्छी तरह से चल जाएंगे जावा सीखोगे आप लोग जावा में भी हो जाएगा काम आपका जावा के प्रोग्राम्स भी चल जाएंगे उसके अंदर आप और क्या करोगे वेब डेवलपमेंट करोगे ठीक है वेब डेवलपमेंट भी एकदम मक्खन चलेगी मैंने ऐसे मक्खन आपको डेवलपमेंट के टाइम पर कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी कोई ग्राफिक कार्ड और बहुत ज़्यादा रैम वेब डेवलपमेंट में आपके एक्सपीरियंस को उतना सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं करेगी ठीक है तो सी चावा वेब डेवलपमेंट पाइथन जेंगो ये सब चीज़ें यार आप लोग कर सकते हो अब अगर मान लो कि आपको कोई ऐसी चीज़ करनी है जो कि आठ जी रैम से कम में नहीं हो सकती होती है ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसे बहुत सारे मशीन लर्निंग के प्रोग्राम्स आपको लिखने पड़ सकते हैं कि यार आपको सोलह जी कम से कम चाहिए आठ जी कम से कम चाहिए उस सिचुएशन में आप एक वी बनाओगे क्या बनाओगे एक वी बनाओगे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर इसके बारे में हमने बात करी है मैंने डिप्लॉयमेंट की सीरीज़ बनाई है मैंने आपको ये बताया है कि इनिशियली आप लोग एमेज़ोन वल्टर लिनो डिजिटलोशन और भी बहुत सारी कंपनीज हैं इनमें क्रेडिट कार्ड लगाकर इनिशियल फ्री क्रेडिट्स प्राप्त कर सकते हो ठीक है अब इनिशियल फ्री क्रेडिट्स आप लोग अगर प्राप्त करोगे तो ये होगा कि आपको एक तो समझ में आ जाएगा आपको अपनी पॉकेट से पैसे नहीं देने पड़ेंगे और मैं तो कहूँगा कोई भी कंपनी हो किसी भी कंपनी में आप लोग क्रेडिट कार्ड लगाकर अगर स्टूडेंट बेनिफिट्स ले रहे हो तो देर नथिंग रॉन्ग इन दैट कि का एक स्टूडेंट पैक होता है मैं कहूँगा आप लोग उसको एक्सप्लोर करो आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए उस चीज़ को तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आ जाती हैं तो आपका जो बेसिक लैपटॉप है वो आपको सब कुछ करा देगा ये चीज़ बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं और उन लोग को ये लगता है कि यार अगर आज सस्ता लैपटॉप ले लिया तो किसी दूसरे के पास एक अच्छा लैपटॉप है तो मैं उससे पीछे ना रह जाऊँ ये छोटी सोच है आप आज कितनी कोडिंग सीखेंगे ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा आपके पास कितनी अच्छी मशीन है ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा आप कितना टाइम देना चाहते हैं आप कितना विलिंग है उस चीज़ को सीखने के लिए और आप कितना एक्चुअल में टाइम स्पेंड करते हैं इन सब चीज़ों को सीखने के लिए ठीक है तो इन सब चीज़ों में आपके पास कोई ख़तरनाक लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है आपको कोई थर्टी नाइनटी का ग्राफिक कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है एडिटिंग में हाँ ज़रूरत पड़ती है एंड्रॉयड स्टूडियो में हाँ ज़रूरत पड़ती है बट उसके भी ऑल्टरनेटिवज़ हैं आप लोग एंड्रॉइड स्टूडियो को एंड्रॉयड स्टूडियो को आप लोग जी सी पी पर चला सकते हो और वो है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जी सी पी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म अब ये सब चीज़ें खैर हम लोग बाद में देख लेंगे और आप खुद ही फिगर आउट कर लो इन सब चीज़ों को कि यार जी सी पी पर कैसे चलाते हैं एंड्रॉयड ऐप्स को कैसे क्लाउड एन्वायरमेंट में हम लोग चलाते हैं ए डब्ल्यू एस अमेजोन का ए डब्ल्यू एस बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दे देता है कि आपको अपने घर पर मॉडल ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है अपने घर पर हाई एंड चीज़ें चलाने की ज़रूरत नहीं है आपका काम हो जाएगा ठीक है तो इस भ्रम में आप लोग मत जियो कि यार आपको एक बहुत महंगी मशीन चाहिए एंड स्टॉप ब्लेमिंग पेरेंट्स क्योंकि बहुत सारे डीएम्स मेरे पास आते हैं उसमें लोग अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे होते हैं यार मेरे पापा ने तो दिलाया नहीं यार मेरी मम्मी तो यार ऐसी हैं यार उन्होंने दिलाया नहीं यार आपके पापा और मम्मी की कैलकुलेशन में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके बारे में आप सोचते भी नहीं हो जितना सोचने की आपकी समझ नहीं है अभी तो इस चीज़ को आप मेरी बात को सुन लो जो आपके मम्मी पापा हैं वो आपका बुरा नहीं चाहते हैं अगर आज वो आप लोगों को तीन लाख रुपये का अस्सी हज़ार का चालीस हज़ार का लैपटॉप नहीं दिला रहे उस उसके पीछे उनकी भी कुछ थिंकिंग और कैलकुलेशन है तो उस चीज़ को आप लोग रिस्पेक्ट करो ना कि आप मेरे डीएम्स में आओ और मुझे बोलोगे यार मेरी मम्मी ऐसी मेरे पापा ऐसे ठीक है आप लोग को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कुछ चीज़ों की होनी चाहिए नंबर वन तो ये कि यार आप लोग एक बेसिक लैपटॉप से सब कुछ कर सकते हो नंबर दो ये कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको बुरा नहीं चाहते अगर वो आपको लैपटॉप नहीं दिला पा रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपका बुरा चाहते हैं या फिर वो कुछ चीज़ों को नहीं समझते हैं उनकी कैलकुलेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो मैं कहूँगा वाई डोंट यू स्टार्ट विद दिस बेसिक लैपटॉप और इस बेसिक लैपटॉप से स्टार्ट करके आप पैसे कमाए मेरा फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम कोड वाला वीडियो देखें उसमें मैंने डिस्कस किया है कि कैसे जल्दी पैसे कमाए जा सकते हैं एंड व्हाई डोंट यू अपडेट योर लैपटॉप अपने पैसों से और जब आप अपने पैसों से ये चीज़ करोगे तो आप आपको पता नहीं है कितनी खुशी आप लोगों को मिलेगी उस खुशी का एहसास आपको तभी होगा जब आप एक्चुअल में उस चीज़ को करोगे तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को ब्लेम मत करो सिचुएशन को ब्लेम मत करो आप पेरेंट्स को ब्लेम मत करो आप नहीं ले पा रहे हो कोई चीज़ उसको ब्लेम मत करो आप अपने आप से ये पूछो कि हाउ कैसे मैं कर सकता हूँ आप ये मत बोलो अगर आप ये बोलते हो कि यार मैं इस लैपटॉप से काम नहीं चला सकता तो वो आपने एक स्टेटमेंट दे दिया स्टेटमेंट आपके दिमाग को बंद कर देता है स्टेटमेंट क्लोज इज योर माइंड बट अगर आप अपने आप से सवाल पूछते हो हाउ हाउ कैन आई यूज़ दिस लैपटॉप टू डू दिस Then it ओपन्स योर माइंड आप एक्सप्लोर करने लगते हो पॉसिबिलिटीज़ को तो ये चीज़ आप लोग समझो और जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारी की सारी लर्निंग वाली चीज़ें आप एक बेसिक लैपटॉप से कर सकते हो मैंने लैपटॉप पे खुद ने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने कुछ मॉडल्स आपको रिकमेंड किए हैं तो वो सारे के सारे जो मॉडल्स हैं वो मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको रिकमेंड किया है कि आपका उतना बजट है और मैंने एक चीज़ और वहाँ पर बोली थी कि यार जो बीस हज़ार से कम का बजट है अगर आपका तो आप पीसी बिल्ड कर लो आप लैपटॉप मत खरीदो बट कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि यार मेरे पास डी एम बहुत सारे कि यार हम नहीं ख़रीद सकते पी क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है कि आज यहाँ कल वहाँ परस हो वहाँ मैं इतनी बड़ी पीसी कैरी नहीं कर सकता या सकती तो अगर ऐसा है तो आप जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो देन यू विल हैव टू गो फॉर इट ना सेकेंड हैंड लैपटॉप आपको खरीदना ही पड़ेगा और अगर आप उस सेकेंड हैंड लैपटॉप को ख़रीद रहे हो मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी उस टेक्निक को उस पर लगाओ और उसे ये पता चलेगा कि वो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं तो मेरा जो लैपटॉप का वीडियो है जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले डाला है उसको ज़रूर देखना आप लोग और उसमें मैंने एक टेक्निक की बात की है मतलब कि लैपटॉप का प्राइस क्या है और रॉ कंपोनेंट का प्राइस क्या है इसको आप अगर कंपेयर करो तो आप एक अच्छा आइडिया लगा सकते हो कि कोई भी चीज़ आपको ऑफर कर रहा है वो अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस है और आपको लेटेस्ट कंपोनेंट्स भी लेने हैं अगर आप लोग पुराने कंपोनेंट्स ले रहे हो तो उसका भी आप माइनस कर लो लैपटॉप प्राइस में से और रॉ कम्पोनेंट प्राइस में से अब अगर आपके पास एक बहुत पावरफुल लैपटॉप नहीं है तो शायद आप उसमें एंड्रॉयड स्टूडियो ना चला पाओ आप और भी आपके दिमाग में वो चुनिंदा चीज़ें होंगी कि यार मैं मशीन लर्निंग ट्रेन नहीं कर सकता कर सकते हो आप बट आप उनको पॉइंट पिन पॉइंट पिन करोगे यार ये चीज नहीं कर सकते ये चीज नहीं कर सकते ये नहीं चलेगा यह नहीं चलेगा बट एक बात और मैं आपको बताता हूं उसमें जी भी नहीं चलेगा साइबर पंख भी नहीं चलेगा और वो वो भी सारी चीजें नहीं चलेंगी जिनसे शायद आप लोग अपना टाइम वेस्ट करोगे तो वहां पर आपको एक एडवांटेज मिलेगा ठीक है अब मैं इसके एक दूसरे साइड ऑफ द क्वेश्चन पर बात करूंगा बहुत सारे लोग ये बोलते हैं मेरे पास पैसे हैं मेरे पास हैं मेरे अपने पैसे हैं बट क्या पचास हज़ार का लैपटॉप खरीदना इज़ वर्थ इट क्या एक लाख रुपए का लैपटॉप जिसमें लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है लेटेस्ट सब कुछ है इज़ इट वर्थ इट क्या मैं अपने इन पैसों को लगा दूँ मतलब मेरे पास पैसे हैं और मेरे पास ये पैसे लैपटॉप ख़रीदने के लिए रेडी हैं क्या मैं इन पैसों को लगाऊँ क्या मैं लैपटॉप खरीदूँ ये लोग पूछते हैं सवाल मुझसे तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ और मेरी बात को याद रखना और शायद अभी आपको समझ में नहीं आया है जब आप लैपटॉप ख़रीद लो उसको इस्तेमाल कर लो दो तीन साल के बाद आपको समझ में आए इससे अच्छा आप पहले सीख लो लैपटॉप इज़ वन ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट्स जिसको आप अगर करोगे अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे लैपटॉप अपने आप को दिलवा कर तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आप उससे ज़्यादा पैसे कमा लोगे मतलब मेरे हिसाब से लैपटॉप एक ऐसी सेफेस्ट चीज़ है डेफिनेटली फ्यू आर विलिंग यानी कि आपने लैपटॉप खरीद के डाल दिया अलमारी में पाँच साल के बाद मुझसे कह रहे हो कि यार ये पचास हज़ार का लैपटॉप है इस पर मैंने कुछ कमाया नहीं द पॉइंट इस कि अगर आप लोग कमाना चाहते हो पैसे अगर आपके अंदर जुनून है आप करना चाहते हो कुछ आपने सोच रखा है कि यार मैं वेब डेवलपमेंट करूँगा मशीन लर्निंग करूँगा डेटा साइंस करूँगा एंड्रॉयड डेवलपमेंट करूँगा इन सब चीज़ों में जाऊँगा फ्री लेंसिंग में जाऊँगा एंड फाइनली वट यू डू इज़ यू एंड अपने न्यू लैपटॉप एक अच्छे खासे लैपटॉप में आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आई कैन गारंटी यू कि आपको टैलेंट चाहिए उस पैसे को पाँच साल के बाद वेस्ट कहने के लिए यानी कि आप पाँच साल में अगर उस लैपटॉप से लैपटॉप के पैसे जितने पैसे नहीं कमा पाते हो तो मैं कहूँगा कि आप बहुत टैलेंटेड हो मतलब नेगेटिव वे में टैलेंटेड हो यानी कि मैं ये कहूँगा कि अगर किसी ने लैपटॉप खरीदा एक लाख रुपये का और आज से पाँच साल के बाद वो उससे डेढ़ दो लाख रुपये नहीं कमा पाया सिर्फ उस लैपटॉप की वजह से देन मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बहुत टैलेंटेड है बहुत ज़्यादा वो टाइम वेस्ट करता है शायद अपना और कुल मिलाकर 90% परसेंट होता केसेस मैं कहूँगा ये बहुत ही सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है अगर आप लगाते हो कि लैपटॉप खरीदते हो अच्छा अपने आप को दिलाते हो तो आप उससे इतने सारे काम कर दोगे कि वो पैसे स्लोली स्लोली ही बड़े स्टार्ट आपका स्लो हो बट इवेंचुअली आप उससे बहुत पैसे कमा लोगे और ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी और आप किसी से भी पूछ लेना जिन्होंने एक महंगा लैपटॉप खरीदा हो उनसे आप ये पूछना कि यार आपने इतने का लैपटॉप खरीदा था क्या आपको वर्थ मिली उतनी क्या आप इससे कमा पाए कई गुना की वर्थ लोगों को मिल जाती है तो ये चीज़ भी मैं जो दो सवाल मुझे आ रहे थे अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा और मैं सेम चीज़ लिखे जा रहा था इसलिए मैंने सोचा कि यार इस पर तो वीडियो बनता है एक कि आपको अच्छा लैपटॉप चाहिए कोडिंग के लिए दूसरा ये कि अगर आपके पास पैसे हैं तो क्या आपको लगाने चाहिए लैपटॉप पे कि नहीं तो मैं तो कहूँगा लगा दो पैसे हैं लैपटॉप पर लगा दो इट्स वन ऑफ़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, गाइज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम